लोकतांत्रिक जनता दल के दफ्तर में ताला लग गया है। दरअसल जैसे ही इस बात का ऐलान हुआ कि शरद यादव जो हैं वो आरजेडी के सिंबल से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद देखिए इस तरीके से पार्टी का दफ्तर है तिरुवईपुरी में, और यहाँ पर जो पार्टी का ऑफिस है उस ऑफिस में ताला बंद हो गया। अमूमन कल तक यहाँ पे चहलकदमी थी, लेकिन जैसे ही इस बात का ऐलान होता है, मनोज झा कहते हैं कि जो शरद यादव हैं वो आरजेडी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे, और लोकसभा चुनाव के बाद जो लोकतांत्रिक जनता दल है यानी शरद यादव की जो पार्टी है उसका विलय हो जाएगा, बात करें आरजेडी के अंदर में, तो उसके बाद से ये दफ्तर है। और देखिए यहाँ पे इस तरीके से ताला लगा हुआ है, शरद यादव की तस्वीर यहाँ पे कटआउट लगा हुआ है, और नीचे पार्टी का नाम है लोकतांत्रिक जनता दल बिहार, और देखिए यहाँ पर एक लिस्ट भी है जिसमें तमाम जो भी पार्टी के प्रभारी हैं तमाम लोगों का नाम है, उसमें रमई राम है, बीजू यादव, और इस तरीके से कौन कौन दिन कौन कौन से लोग रहेंगे, तो देखिए सोमवार, मंगल, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार है। आज की बात करें तो विनय यादव, विजय कुमार वर्मा, अतुल शंकर, विनोद मेहता, इन तमाम लोगों को होना था, लेकिन यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं, और देखिए इस तरीके से ताला बंद है। इसके दुख के जो कार्यकर्ता हैं वो नजर आ रहे हैं, देखिए एक जनाब है जो यहाँ पे पेपर बिछा करके यहाँ पे इस तरीके से लेटे हुए हैं। पता है कि आपको जो शरद यादव हैं वो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, कुछ नहीं बोल पाएंगे। आप कहाँ से आए हैं बताइए? अरे हम यहाँ पे, अच्छा देखिए गार्ड हैं यहाँ पे, और इस तरीके से देखिए ये भी इंतजार कर रहे हैं कि दफ्तर खुलेगा, लेकिन ऑफिस जो है वो बंद है। शरद यादव बिहार के उन नेताओं में गिने जाते हैं जो कि नीतीश कुमार के जमाने में बेहद करीबी रहे हैं, आरजेडी सुप्रीमो लाल यादव को खूब कोसते रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात हो आरजेडी की बात हो, लेकिन जैसे इस बात का ऐलान होता है कि वो आरजेडी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद ये जो पार्टी दफ्तर है तिरुवईपुरी का यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, और जो ताला है वो बंद हो गया है। जाहिर तौर पर अभी विलय की बात लोकसभा चुनाव के बाद की है, लेकिन देखिए कि जैसे ही ऐलान हुआ है उसके बाद की जो खामोशी है वो बता रही है कि जो पार्टी का दफ्तर है वहाँ पे क्या स्थिति है। सहयोगी न्यूज़ के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।